कुछ दिखा? नहीं कुछ दिखेगा मैं को दिखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं मोस्टली ब्लॉग मॉर्निंग में ही स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को पता ही होएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ये मकई है, उसमें मैं हल्दी और नमक ऐड करके रखी थी बॉयल करने के लिए, तो ये बॉयल हो गई है। चाय भी बन गई है। कभी कभी इसका छिलके भी नाश्ता बना देती हूँ, प्याज और हरी मिर्च ऐड करके कॉर्न का, वो भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी है ये। आज आरुष की मॉर्निंग कुछ ठीक नहीं लग रही है। पापा ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेंक दिया। अच्छा मेरे गे? अभी हम गेम खेलने जा रहे हैं कि लो मैं पक्का कर दूं। आदी मुझे ये दे रही है कि आप पढ़ाने बैठे हो तो ये लेके बैठो, तो सबसे पहले आदी को देती हूँ मैं इससे दो तीन। अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए जलेबी। आरुष का बहुत दिन से खाने का मन था, और अभी मैं एक वीडियो देख ली, उन्होंने जलेबी बनाया और देख के मेरे भी मुँह में पानी आ गया है, और आरुष ने देखा तो आरुष को भी खाना है। तो मेरे पास मैदा भी था और फूड कलर भी है जो नहीं था कल, मैं मंगाई हूँ, और दही भी है, सामान सारा है, सोडा भी है, बेकिंग सोडा वैसे मैं रखती नहीं हूँ जल्दी घर में, बट कुछ काम था। हाँ ढोकला बनाया था उस दिन, मंगाई थी तो सामान सारा है, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ जलेबी, क्योंकि मिल रहा नहीं है ना कुछ भी। और उसके बाद जब बन जाए तो यहाँ पे मैं वही मिक्स कर रही हूँ जलेबी बनाने के लिए। मैदा है, उसमें घी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे रखी हूँ चाशनी बॉयल होने के लिए। मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि पता नहीं कैसे बनेगी, मुझे भी नहीं पता। आरुष के खुशी का ठिकाना नहीं है, बस कितनी जल्दी बन जाए और कितनी जल्दी कॉल है आपके। नहीं अटो दूर अटो दूर अटो दूर अटो दूर। जब तक मैं ये बन रही है चाशनी, जब तक तैयारी कर लेती हूँ पराठे का भी, क्योंकि जलेबी खा के तो पूरा दिन निकले। इसमें ना काट काट के मिर्ची डाल दो। मिर्ची? हाँ इसमें। हाँ तो मेरी जलेबी देखिए, आप लोगों को किसी भी एंगल से ये जलेबी लग रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रही है, बट हाँ खाने में टेस्ट अच्छा था। बट कोई बात नहीं, बार बार कोई चीज़ करते हैं तो ही अच्छे से आता है। और अभी मैं पिछले लॉकडाउन में बनाई थी एक बार, और फिर अभी बना रही हूँ क्योंकि मिल नहीं रहा है। आरुष को जलेबी बहुत पसंद है और मेरा भी खाने का मन था, आदि का भी था, तो मैं सोची चलो ठीक है बना लेते हैं। तो इसको गोल्डन फ्राई कर ली हूँ, अभी ऐड कर दी थी चाशनी में, तो ये अच्छे से रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ आरुष को, क्योंकि उनको रहा नहीं जा रहा है, बार बार चक्कर काट रहे हैं। देखिए आप लोग कितना खुश है वो। आज एक्चुअली अंशु जी ने जलेबी बनाई है और मैंने दही बनाई है, तो दोनों मिलके हो गया जलेबी दही। नॉर्मली जलेबी दही जो है ना नॉर्थ में ज़्यादा खाते हैं, मथुरा हाँ वृंदावन वगैरह साइड मथुरा में बहुत खाते जलेबी दही। सुबह सुबह का नॉर्मल नाश्ता होता है। वीडियो का ऐसा भूत चढ़ा है ना सबको। आरुष मुझे बोले हाँ बैठ बैठ बैठ, आरुष मुझे एक दिन बोले कि आप एक्टिंग करो, मैं बीच में बोलता हूँ, तो मैं बोलूँ ठीक है, मैं लाला लाला ला जैसे कि आरुष अट्ट से मारे ना पूरी उंगली चप गई मुझे। बहुत देर तक रेड हुई। आप करो मैं मारती हूँ। नहीं पक्का नहीं कर, पक्का पक्का नहीं। आरुष मस्ती नहीं उस दिन का याद है मुझे, ठीक है।
अभी तक और कुछ देखो क्या लेके आए हैं। आम अचार बनाना है। अचार में कभी पहले बनाई नहीं थी, पिछले साल लॉकडाउन में बनाई थी, पहली बार बनाई थी और बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि खराब ना हो जाए, बट पूरे साल अच्छे से चल गया। कभी नहीं अचार बनाती थी, मुझे अचार ये सब बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट में वो होता है। नहीं उतने से नहीं होगा ना, मतलब कैसे नहीं कांच का है वो, फिर ऊपर है, मैं पहुँचती नहीं हूँ, मुझे चेयर लेकर डालना पड़ेगा, मेरी हाइट ठीक नहीं है, बताइए ना आप लोगों को। तो यही उदाहरण है आपको, अच्छा कुछ तो काम आया। ये पड़ा हुआ है, कब से फेंकना था बट रखी थी, एक्चुअली थोड़ा सा फटा था, इस पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो इस पर रख के कहीं चले गए थे। देखो थोड़ा सा फटा था, हर उसने खींच दिया, ज्यादा हो गया। मशीन से कौन करेगा दी, बाल स्ट्रेट, कपड़े फोल्ड कर रही थी और देखो आरुष लेके आए हैं, बोल रहे हैं आपने कढ़ाई अच्छे से नहीं धोई। मम्मी तो छोड़ो, हाँ इतने बड़े आप और इतनी छोटी कढ़ाई। हाँ तो आरुष, मम्मी की इंसल्ट मेरे सामने, मेरी इंसल्ट, इतनी बड़ी मैं और इतनी छोटी कढ़ाई साफ नहीं होती मुझसे, ये साफ हुई है आरुष। तो अभी ये शाम का टाइम है, वो अचार के लिए आम सूखने को डाली थी ना टेरिस पे, तो वही लेने आई हूँ मैं। कितना छत लगा है, अच्छा रेड रेड हुआ है, सूरज डूब रहा है इसकी वजह से। आरुष लटको मत आदी, कहे पे यहाँ पे पड़ी है टेरिस पे, घर पे ढूंढ रहे थे कब से। उनके पापा की है ना? हाँ पापा की है। आरुष छोड़ के गया होगा फंक्शन में आके, राजवीर। अरे तो रात को थोड़ी घर पहन के आएंगे। अरे हाँ कभी दिन में आए रहे होंगे। क्या कुछ दिखा? नहीं कुछ दिखे, मैं को दिखा रखी हूँ मैं। ये अदरक के दो टुकड़े हैं, लहसुन है, मिर्ची है, इसको पराठे में डालूंगी, मेथी के पराठे में, आरुष नहीं। और ये चटनी के लिए रखी हूँ, हरा धनिया है, टमाटर है, मिर्ची है, लहसुन है और आंवला है। आंवला मीडियम साइज का है, आरुष नहीं, 7 से 8 आंवला है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। आंवला बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, पता ही होगा आप लोगों को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ऐसे ही लेके आके मैं रखती हूँ, तो ये लोग खाते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ, मीडियम रहता है तो आलू भी खा लेते हैं आराम से। इसके लिए मैं चटनी बना के 2-3 दिन के लिए स्टोर कर देती हूँ। तो इसमें अदरक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अदरक तुरंत खा लो तो ठीक है, अगर थोड़े दिन के लिए रखो 1-2 दिन के लिए तो टेस्ट अजीब आता है, इसके लिए अदरक नहीं ऐड। ये आटा ली हूँ मैं और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ ये मेथी जो बारीक कट करी हूँ एकदम, मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है तो रख दे रही हूँ। और ये पेस्ट है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैं दिखाई थी आप लोगों को, और ये धनिया है, अभी इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। आरुष और ये मैं 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल की थी, इसको मैं इसमें ग्रेट कर लूंगी, आलू भी ऐड करूंगी, इससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। क्यों डर लग रहा है क्या? इसका मैं एक डो बना लेती हूँ सॉफ्ट सा। तो आटा रेडी हो गया है और चटनी भी बन गई है, तो बस अब मैं पराठे बना लेती हूँ। नॉर्मली जैसे आलू के पराठे बनाती हूँ उसी तरह से ऑयल लगा के।
टीवी की आवाज इतना मतलब बढ़ा के रखते हैं ना कि क्या बोलूँ, आप बोलोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो डिनर हो गया है और एप्रन लेके बैठी हूँ। क्या होता है ना, मैं डिनर के बाद अगर तुरंत कर लेती हूँ ना काम तो अच्छा रहता, अगर मैं 5-10 मिनट भी बैठ गई ना फिर मेरा मन नहीं होता था। जितनी भी एनर्जी रहे ना ये टाइम पे पूरी खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं बैठती नहीं हूँ, डिनर होता है उसके बाद तुरंत आके जो भी काम रहता है किचन का फिनिश कर लेती हूँ। झगड़े चालू हो गए रिमोट के लिए दोनों करते हैं, यही हाल है हर घर में बच्चों का, यही हाल है। चलिए फिर मैं करती हूँ ब्लॉगिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।